हेलो, हेलो। 10 मिलियन कौन उठाने के लिए? हाँ मतलब यार, एक अगर आप पहुंच गए तो एक कॉल नहीं कर सकते थे मुझे? टाइम नहीं मिला टाइम मुझे को सच सुनो, क्या क्या क्या, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहे तो बिल्कुल मत करो। आज यूँ बोलोगे ये मम्मी पापा थे, इतना तो यार इंसान को टाइम मिल जाता है, वो कॉल कर ले यार। कॉल नहीं तो छोटा में। मैसेज मेरी तो। बात तो अरे सुनो, रुको, क्या क्या आपकी बात क्या सुनूं यार? मतलब आपको मम्मी पता है, पापा सा मतलब मम्मी पापा साथ उसका मैं क्या करूँ यार? मम्मी पापा साथ तो एक छोटा मैसेज कर सकते थे, ये साइड में होके कॉल करके बता सकते थे, या यार ट्रेन से आ रहे हो, साइड में होके हमें कॉल कर सकते थे कहीं पे, मतलब छोटा सा मैसेज छोड़ सकते थे कि पहुंचने टाइम वाली हो, नहीं पहुंच जाऊंगी। मिला। यार मेरे को, मतलब मेरे को टेंशन हो रही है कि यार इतना दूर जा रहे हो, एकदम पहुंचे ठीक से नहीं पहुंचे उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं, ये कॉल भी नहीं, कॉल करके तो आपको बताया नहीं जाता कि यार उमंग पहुंच मेरी गई या नहीं। बात तो सुनो यार मां, बात क्या सुननी, आपको इतना नहीं है कि यार पहुंच गए हो तो बता दूं कॉल करके या मैसेज ठीक करके मेरी बता बात दूं? मतलब सुनो। यार अभी सिर्फ कॉलेज ही पहुंचे हो, अभी सिर्फ हॉस्टल पहुंचे हो, हॉस्टल पहुंचते ही बदल गए, उमंग में मतलब बदली नहीं है हॉस्टल मेरी बात। पहुंचते ही बदलने लगे। आगे की तो छोड़ो यार, अभी तो पता नहीं क्या क्या आएगा। हॉस्टल पहुंचते या तुम्हारे, मतलब एक ठीक है मन मैसेज, बहुत हो एक गया, आई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो पहले। काली सुन यार तुम्हारी फालतू की उमंग एक्सप्लेनेशन में। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बोलो यार, पर यार आपको नो इतना तो होना चाहिए ना, एक कॉल करके बता दो यार। मैं बोलूं? क्या बोलूं यार, क्या एक्सप्लेन ओके फाइन, करोगे? नहीं बोलती मैं। ओके बस अब गुस्सा हो, खुद कर लो गुस्सा, मेरे को होना चाहिए गुस्सा भी तुम कर तो लो। मैं नहीं, बोल रही हूँ गुस्सा भी ना, तुम कर लो, मतलब एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैं बोल क्या रही हूँ, सुनूं यार, मेरे को गुस्सा तो आ ही रहा है ना, मतलब एक कॉल ना मैसेज। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी एक मिनट बात सुन लो, तो आप सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है बोलो, आप बोलो। जाना आपको गुस्सा करना जायज है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कम से कम ये तो मुझसे एक बार पूछो कि मैंने कॉल क्यों नहीं की, मैं क्यों नहीं कर पाई। उमंग एक बात बोलूँ, सुनो पहले गुस्सा ठंडा करो अपना। आप मुझे बता दिया हो, मेरा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। जाना प्लीज गुस्सा ठंडा करो। आप मुझे बताओ तो पहले, मुझे वजह तो अच्छा पता चले कि एकदम आप वजह क्या है, मतलब ना एक कॉल हाँ किया गया ना आपसे मैसेज किया वो मैं गया, बताऊंगी, वो मैं मतलब एंड कॉलेज में। अभी पहुंचे उससे पहले बदलना चालू हो गया आपका तो यार। फाइन मैं नहीं बोलती, आप पहले बोल अच्छा लो, आप ठीक है अपनी बोल लो, कंप्लेन कर लो तो पहले। ठीक, तो मैं जब चुपचाप सुन रहा हूँ तो भी आप बोल रहे हो ना ये वो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। तो मैं चुप हूं तो बोलो ना फिर। मैं आपको समझाऊंगी एंड में, लेकिन मैं आपसे कुछ बात पहले बोलना चाहती हूँ। प्लीज ध्यान, अपना गुस्सा शांत करो पहले। आई हाँ हाँ नहीं है गुस्सा, बोलो। लव यू पहले तो, हाँ ठीक है यार, बात बताओ मुझे बस। आई लव यू ना पहले तो। देखो ओके लव यू टू, लेकिन बात बताओ क्या है। सुनो, पहले अब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ओके उमंग, हम दोनों को एक दूसरे को सोचना पड़ेगा, ठीक। हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, दोनों को लड़ने से, कोई भी लड़ाई करने से पहले उमंग, क्योंकि देखो मैं सच्ची हूँ या आप सच्चे हो, हम दोनों में से कोई एक दूसरे को प्रूफ नहीं दे सकता है, ठीक है। हम हर चीज का प्रूफ नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को। उमंग जो भी बात हो ना, जो भी बात हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज एक बार पहले मुझसे पूछो। आपको कोई भी चीज का मेरी बुरा लग रहा है, प्लीज मुझसे पूछ के एक बार आके मुझसे बोलो कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, बताओ आपने ऐसा क्यों किया। हाँ तो मैं पूछ या तो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल और मैसेज क्यों नहीं देन किया? ओके पूछ फिर तो रहा हूँ मैं, मैं नहीं बोलती, नहीं तो ओके आप बोल ले तो मैं पूछ तो रहा हूँ। 1 मिनट में नहीं बोलती, ओके मेरी उमंग बात तो कंप्लीट होने दीजिए कम हाँ से ठीक कम। है बोलो। उमंग मुझे आए हुए या 1 दिन नहीं हुआ है अभी, वही तो दिक्कत है, एक दिन नहीं हुआ, एक दिन में इतने चेंज हो गए। एक दिन में आप कितने चेंज हो गए। मेरी बात तो नहीं सुनते लेकिन मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो आप। अच्छा ठीक है सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप बताओ तो। नहीं वही मैं कह रही हूँ, आप पहले मेरी बात सुनते थे, अब वो भी नहीं सुन रहे हैं आप। हाँ ठीक है, आप बताओ। हम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ बेबी। देखो आप गुस्सा करोगे ठीक है, और आप और यही बात है, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जब आपका आप गुस्सा करोगे फिर आपका गुस्सा देख देख के मुझे भी गुस्सा आएगा, फिर जब हम दोनों गुस्सा करेंगे रिलेशन ब्रेक होगी। मैं नहीं चाहती हूँ यार हमारी रिलेशन ब्रेक हो, और मैं जानती हूँ कि आप भी नहीं चाहते हो हमारी रिलेशन ब्रेक हो। जितना प्यार आप करते हो ना, उतना ही मैं भी करती हूँ। प्लीज 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 एक बार ट्रस्ट करो और मेरी बात सुना करो, ओके। ओके देखो सुनो मेरी बात सुनो, कल को ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको फोन करूंगी, हो सकता है कहीं आप बिजी हो, आप कॉल ना उठा पाओ, तो
ठीक है, तो है ना वहां मेरा ये फर्ज बनता है कि आपसे गुस्सा करने की जगह ना मैं आपसे पूछूं कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया आपने। गुस्सा जाहिर हो रहे हो मंग, आप ऐसी बात नहीं है कि आपने गलत किया गुस्सा मुझ पर, और भी बातें मैं होती मैं भी गुस्सा ही करती आपके ऊपर। बट मेन बात है कि उमंग जब तक वो अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेकर आएंगी ना, इस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश करेंगी ना लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह के, तो उमंग ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। और एक बात बोलो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछोगे प्यार से, मैं अपनी प्रॉब्लम सब समझाऊंगी। अगर आप समझोगे उनको मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि कभी हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, आपको कोई चीज की टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सब ठीक है, मुझे आप बात मेरी बता एक दोगे? बात, मेरी एक बात सुनो, हम लोग पहले कैसे थे, हम लोग साथ रह रहे थे ठीक है, लेकिन अब हम उमंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए हैं। प्लीज हम दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी पड़ेगी। देखो सुनो, ने मुझे फोन किया, कहाँ से फोन कर रहे हो आप मुझे? मुझे पता है आप सुबह से मुझे फोन कर रहे हो यार, मैंने आपके फोन कॉल्स देखे थे ना। अभी अभी फोन पापा को दिलाया हुआ कितने दिन हुए, कल ही दिलाया पापा ने है ना। अब कल फोन दिलाया उमंग, तो उमंग प्लीज जब मैं उन लोगों के साथ हूँ तो मैं अगर साइड में भी जाके बात करूंगी तो उनको, तो मैं उनको क्या कहूंगी किसका नंबर किसका फोन आया है, क्योंकि अभी नंबर नया, कॉलेज नया, नंबर कहीं गया भी नहीं है अभी। तो बताओ मैं क्यों उमंग, नया तो उमंग आपका मतलब नया नंबर था तो मैं कैसे बात करती आपसे, आप बताओ ठीक है। और फिर पापा अगर मैं साइड भी होके बात करती तो पापा को शक होता ना कि नया नंबर अभी कहाँ से मिला होगा। कल ही तो मैंने आपको नंबर दिया अपना नया, कि अभी मेरा प्राइवेट नंबर हो गया है। पहले मम्मी के फोन से बात करती थी, प्राइवेट नंबर अपना दे दिया, तो वो मन एकदम से जब आपसे बात करूंगी फोन पे तो वो भी तो शक करेंगे ना कि एकदम ही नया नंबर इसने किसको दे दिया। और देखो तो ये छोटा सा बाकी मैसेज तो कर ही सकते हो ना? जाना, मेरी बात तो सुनो, मम्मी पापा देखो आए, हम लोग यहाँ पर आए, मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल दिखाया, हॉस्टल दिखाने के बाद हम लोगों ने हॉस्टल में सामान शिफ्ट किया, फिर हमें 2-3 तो कॉलेज में ही बच गई ठीक है, 2-3 कॉलेज में गए थे हम, लौटते लौटे फिर मम्मी पापा ने खाना वाना खाया, फिर मेरे को कुछ सामान दिलवाया जो जरूरत का था हॉस्टल के लिए, वो दिलवा कर फिर वो लोग चले गए। तो मैं थोड़ा सामान ही सेट करी तभी आपकी मैंने जस्ट कॉल देखी, फिर मैंने तुरंत कॉल की, वो फिर मैंने कॉल उठाया आपका। अच्छा सुनो मेरी बात, आई एम सॉरी, गलती मेरी भी है ओके, बट आई एम सॉरी, गलती मेरी, मुझे इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था। एक प्रॉमिस करो, कोई भी बात होगी उमंग, कोई भी मुझसे डिस्कस करोगे, मैं आपसे तो लेकिन डिस्कस करता हूँ, और किससे लेकिन करूंगा? गुस्से से नहीं, प्यार से पूछोगे। सॉरी ना, वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया था तो। क्योंकि उमंग पता है देखो अब हम दूर हैं ठीक है, ये चीज मैं भी समझूंगी अब, और ये चीज मुझे भी समझनी पड़ेगी ठीक है, कि आप अगर वहां से सवाल, अगर मैं टेंशन में हूँ और आप वहां से गुस्सा कर रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा ना कि मैं टेंशन में बैठी हूँ। फीलिंग्स जानते हो आप मेरी कि हाँ मैं किस हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन आपको ये तो नहीं पता होगा ना किस टेंशन में, और आप एकदम से ही फोन करके चिल्लाओगे जैसे भी आपने चिल्लाया। अगर ऐसे मैं भी सॉरी आप ना उसके अगर लिए। हाँ बब्बा रुको तो, और अगर जैसे ही मैं चिल्लाऊंगी आपके ऊपर मुझे नहीं पता होगा आप वहाँ टेंशन में, एकदम से मैं चिल्ला के बोलूँ तो जाना, इससे पता है लड़ाई बढ़ेगी हम दोनों के बीच में, समझ रहे हैं ना। तो बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें बढ़ानी है अपनी है ना। और एक बात और, आप कभी भी फोन कर सकते हो मुझे, कॉल वो तो मैं अब करूंगा ही पूरे हक से, भी लेकिन हाँ कर अब सकते हो, आप हाँ कभी भी उठा भी सकते हो, लेकिन कभी भी उठाओगे? यूं नहीं कि मैं फोन कर रहा हूँ तो साइड में रख गए लेकिन हो। लेकिन लेकिन सुनो, कॉलेज के टाइम पे नहीं उठा पाऊंगी पागल हूँ क्या? कॉलेज के टाइम को फोन करूंगा ना, मैं बता रही हूँ मतलब, तो मैं कॉलेज के टाइम आपको फोन ही क्यों करूंगा? कभी आप अगर आपको मेरी याद आ गई तो याद आ गई तो खुद को कंट्रोल कर लूंगा। ओके थैंक यू, अच्छा सुनो, आई एम सॉरी इतना गुस्सा के लिए, कोई बात नहीं बेबी, इट्स ओके, आपकी जितना गुस्सा गलती नहीं नहीं करना है। चाहिए देखो था मुझे। अभी अपन थर्सडे है, अब अगर ये गलती रोज करोगे तो मैं गुस्सा करूंगी, लेकिन थर्सडे था ना तो इट्स ओके। हाँ वो फर्स्ट डे है तो माफी मिल गई। जी क्यों नहीं, थैंक यू थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा सुनो, आप रूम हाँ सेट कर जी लिया कि बिखरा हुआ है?
अभी तो है, दिख रहा हूँ, अभी करूंगी बिल्कुल। अरे यार चलो फिर कर लो। आप कितनी देर में कॉल करोगे फिर आप रूम सेट करके? मैं 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ आपको। ओके ओके जल्दी जल्दी से सेट कर लेना, फिर मुझे कॉल कर लेना, मुझे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, बेबी, मैं तो आराम से बात करूंगा 1-2 घंटा। ओके। पक्का कॉल कर लोगे ना? मैं वेट कर रहा हूँ, यूँ नहीं आप भूल हाँ चल, जाओ। कर लूंगी मैं, जस्ट 1 घंटे बाद कॉल कर लूंगी आपको। पक्का ना? हेलो, हाँ जी, लव बोलो। यू बेबी, लव मजा नहीं आया? यू। ओके पागल, लव यू, लेकिन मुझे कॉल पक्का कर लेना 1 घंटे बाद। ओके बाय। ओके बाय, ध्यान रखना अपना प्लीज। कुछ खाया? हाँ जी, ओके ओके, खाना वाना टाइम से खाना और ओके ध्यान रखना, और मुझे फोन जरूर करना अभी। ठीक है, ओके बाय ओके बाय, बाय। लव यू, चलो बाय पागल जी।